सुन बेटा, लगता है तेरा मूड खराब है। कुछ दिन के लिए सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं? जरूरत नहीं है। ऐसा मालूम होता तो ऑटो पकड़ के आ जाता। मैं कम इन? ये सवाल आने से पहले किया जाता है। ओके। अंकल ने कुछ बताया है क्या? वैसे किस बारे में? आपकी हाइट के बारे में या एज के बारे में? टैलेंट के बारे में। जानती हूँ मैं कौन हूँ? ये पेन है ना? लुक एट दिस पेन। तो आप पेन? मैं एक राइटर हूँ, टैलेंटेड राइटर। तुम्हारी कहानी लिखनी है, नाम है कंचन काया झलकती माया। मेरी कहानी? बिल्कुल, तुम्हारी सिंपल सी कहानी को अपने पेन के जरिए मसाला मिक्स करके, उसमें टेंशन क्रिएट करके और उसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट देकर इंटरेस्टिंग कहानी लिखना है मुझे। क्या इरादा है? तो मुझसे क्या चाहते हो? कहानी? मैं बताता हूँ, मैं पवित्रा का दूर का रिश्तेदार हूँ, मामा लगता हूँ। पवित्रा एक गांव में रहती थी। इसके बचपन में ही इसके पापा पूरे गांव वालों से उधार ले लेकर शराब पी पी कर चल बसे। उसके बाद इसका परिवार संकट में आ गया। पवित्रा और इसकी माँ नरक की जिंदगी जी रही थी। उस वक्त पवित्रा करीब 14 साल की थी। एक दिन इसकी माँ बीमार पड़ गई और कोई सहारा नहीं था, इसीलिए उनका इलाज नहीं हो रहा था। फिर ये अपनी माँ को लेकर मेरे पास शहर में मेरे घर पर आ गई। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। बताइए ना डॉक्टर, बहुत मुश्किल है मामा। माँ को कैंसर सेकेंड स्टेज में। मतलब? सीरियस। माँ को बचाना है तो हमेशा रेडिएशन करवाना होगा। हर बार करीब 10,000 रुपए लगेंगे। पर इतने पैसे तो? माँ को बचाना है मामा, और कोई रास्ता नहीं है। है बेटा, माँ को किडनी दोनों सही है, डोनेट करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। 3 सालों तक रेडिएशन कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, पहले ही उन्हें कैंसर है। अगर किडनी भी डोनेट कर दी तो क्या कर सकते हैं? चाहिए तो मैं अपनी किडनी बेच देती। अगर तू बेचना ही चाहती है तो तेरी किडनी बेचने से इलाज पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ और बेचना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ मामा। मुझे मेरी माँ चाहिए। मैडम मैं यहीं पे, 5 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। माँ अब तबीयत कैसी है? मेरी बात छोड़ो, तुम कैसी हो बेटी? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। क्या है बेटी, भगवान के लिए मुझसे कोई से बात मत करो। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ के इलाज की सारी जिम्मेदारी पवित्रा ने उठा ली, लेकिन इसकी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी माँ के देहांत के बाद उनके नाम से एक ट्रस्ट चालू किया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट को हर महीना ये अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डोनेट करती है। मतलब आप अपनी माँ की वजह से इस लाइन में आई, इसमें कुछ नयापन नहीं है? ओ, तो तुम्हें नयापन चाहिए? हाँ। तो ध्यान से सुनो, बैंकॉक में सुनामी, पाकिस्तान में वॉर, अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट, इन वजहों से ही पवित्रा प्रोस्टिट्यूशन में आई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ही कहा था ना कि नयापन चाहिए। हाँ ये भी सही है, इतने सालों से आप ये सब कर रही हैं, कभी दुख नहीं होता? दुख तो बहुत है और शर्म भी आ रही है, लेकिन ये भी सच है, मासूम लड़कियों को मजबूरी में पैसों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और यही बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा कचोटती है। टॉपिक चेंज मत कीजिए, आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, सफेद पोशाक में जो दरिंदे हैं उनसे जाकर पूछिए ये सवाल। देखिए आप सवाल को दूसरी तरफ घुमा रही हैं। आप जैसी लड़कियों की वजह से ही हमारी सोसाइटी बर्बाद हो रही है। तो फिर अच्छा कौन है बताइए? मेरे जैसी वो लड़कियाँ जो फिल्मों में काम करती हैं, और मेरी वजह से रावण ने सीता को गिरफ्तार किया? क्या मेरी जैसी लड़कियों की कहानी पढ़ने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था? या फिर मेरी जैसी लड़कियों के बारे में जो टीवी सीरियल बने हैं उन्हें देखकर कंस और कृष्ण का जन्म हुआ? अब उन सब बातों की यहाँ जरूरत नहीं, कोई तो होगा जिसने आपको शादी का ऑफर दिया हो, आपके एहसास को छुआ हो। एहसास? इस
इसका मतलब जो शादी करते हैं वही खुश रहते हैं और नहीं तो क्या? ये सही नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। ज्यादातर लेडीज खुश नहीं है। ये स्टेटमेंट है या ओपिनियन? कंफर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन? आपसे ये बात लड़कियों ने कही है कि शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, शादीशुदा मर्दों ने कहा है। क्या कहा? हस्बैंड नंबर वन, पवित्र, मेरी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बात बात पर बिगड़ती है, किसी को हाथ लगाया तो मुझ पर भड़कती है। अरे उसकी छोटी बहन को, उसके लिए वो मुझ पर भड़क पड़ी। इसी तरह से मुझे हर वक्त वो गलत ठहराती रहती है। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं था, उसकी बहन है, साले की बीवी है ना मेरी, उसी ने बात को उछाला, उसे उल्टी आई, उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। ऊपर से तमाशा ये है, मेरी साली को मेरे छूने के बाद उसका होने वाला बच्चा मुझे पापा कहकर बुलाएगा या फिर मेरी घरवाली को बड़ी माँ कहकर बुलाएगा? मुझे बड़े पापा कहकर बुलाएगा ना? हस्बैंड नंबर टू, पवित्रा, मेरी जो बीवी है वो बिल्कुल हूर की परी जैसी दिखती है, कश्मीर के एप्पल जैसी। एप्पल को काटना गलत है ना? नहीं काट सकते, मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। जानती हो मेरी जान कौन है? मेरी अपनी बीवी। एक दिन मेरे सारे दोस्त पार्टी करने मेरे घर पर आए थे, तब उन लोगों ने मुझसे मेरी जान मांगी। चलो, अक्सर कोई कुछ ना कुछ मांग लेता है, वही सोचकर मैंने अपनी जान को उन्हें दे दिया, तो मेरे रिश्तेदार मुझ पर भड़क गए ना। पवित्रा जी, मेरी बीवी का नाम है सावित्री, मैं उसे प्यार से चाबी चाबी कह के बुलाता हूँ। बहुत दिनों से मैं गाड़ी लेने की आस लगाए बैठा था। एक दिन मैं जाकर कार डीलर से मिला तो उसने कहा, मैं तुझे गाड़ी की चाबी दूंगा तो तू मुझे अपनी चाबी दे सकता है क्या? मुझे उसकी वो डीलिंग बहुत पसंद आई। मैंने तुरंत अपनी चाबी उसे देकर मैंने गाड़ी की चाबी उसे ले ली। कितना अच्छा एक्सचेंज ऑफर है ना? सही काम को भी लोग गलत बताते हैं। मुझे ऐसा काम करने में बहुत मजा आता है। कोई भी अगर मुझसे कुछ मांगता है तो उसका दिल ना दुखे इसलिए मैं उसे दे देता हूँ। अब बताओ ना, इसमें गलत क्या है? हस्बैंड नंबर थ्री, मैं रोजाना शराब पीता हूँ, मेरी बीवी से कहता हूँ कंपनी दो लेकिन वो नहीं देती, उसके लिए मुझे छुप छुप कर पीना पड़ता, उसके बाद मैं उसे सिगरेट का चटका देता हूँ, चटका देने के बाद वो बिना पानी के ऐसे तड़पने लगती है, वो सब देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। काम शास्त्र को घोल के पी गया हूँ, अलग 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 ढंग से ट्राई करता हूँ। औरत लोगों को किचन में खाना बनाने के अलावा कुछ करना चाहिए, बाथरूम में नहाने के अलावा कुछ करना चाहिए और बेडरूम में सोने के अलावा कुछ करना चाहिए ना, वरना वो वेस्ट है। इसे समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं नई नई चीजें ट्राई करने के लिए यहाँ आया हूँ। हस्बैंड नंबर फोर, पवित्र, मैं भी एक समाज सेवक हूँ तुम्हारी तरह। तुम भी तो समाज सेवा करके कितने ही लोगों को खुश करती रहती हो। देखो, मैं भी तो समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरी बीवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सच्चाई सुनोगी? 6 विधवा औरतों को और 4 अनाथ लड़कियों को मैं सहारा जो देता हूँ, पर सबके सामने नहीं, चुपके चुपके अंदर ही अंदर। क्या करूँ, बीवी से खुशी नहीं मिलती तो मैंने गरीब को नौकरानी रख लिया है भाई। इससे बीवी को आराम मिल जाता है और नौकरानी बाकी सब काम निभा देती है। बीवी को आराम देने का एक और तरीका देखो, खाना बनाने के लिए मैंने और एक नौकरानी रख ली। पेट की भूख भी शांत हो जाती है और मन की भूख भी शांत हो जाती है। क्या करूँ, अब करना जो पड़ता है। पवित्रा, मैं बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ हूँ, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, बीवी भी रख लो और नौकरानियां भी रख लो, एक बीवी और बाकी सब आपके पैर दबाने वाली। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आपकी कहानी अच्छी तरह लिखने को सोचा था लेकिन आपकी कहानियां सुनकर दिमाग की घंटी बज गई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी कहानी में सबसे अच्छी बात मुझे लगी अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए आपके द्वारा दी हुई कुर्बानी। आप इसकी मम्मी के लिए दी हुई कुर्बानी या इसकी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं? एग्जैक्टली पवित्र, जैसा नाम वैसा कैरेक्टर।